यदि किसी स्नैक्स के पैकेट पर अंग्रेजी और हिंदी के अलावा उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है तो क्या इस पर बवाल मचना चाहिए? नहीं ना? लेकिन पिछले कुछ समय से जो नया भारत गढ़ा जा रहा है उसमें उर्दू में कुछ लिखा होने पर बवाल मच सकता है, मचता है। हल्दीराम के एक स्टोर में घुसकर एक टेलीविजन चैनल की एक महिला रिपोर्टर एक पैकेट उठाकर स्टोर के कर्मचारी से सवाल करती है कि इसमें यह उर्दू में क्यों लिखा हुआ है। वो खूब बवाल करती है, वो पूछती है उर्दू में क्यों लिखा है, क्या है जिसे आप छिपाना चाहते हैं। कर्मचारी उसे समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि उर्दू के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी वही लिखा हुआ है जो उर्दू में, इसे कोई पढ़ सकता है, आप भी पढ़ लीजिए। पर वो रिपोर्टर किसी सूरत में नहीं मानती। इस पर खूब बवाल मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर भी ये खूब चल रहा है। कुछ लोगों ने तो सुझाव दिया है कि पैकेट पर लिखी हुई भाषा अरबी है, उर्दू नहीं। उनका तर्क है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्दीराम को मध्य पूर्व में निर्यात किया जाता है। अब जाहिर है कि यदि किसी अरबी भाषी देश में सामान का निर्यात किया जाता है तो उस देश के लोगों के सामान के बारे में बताने के लिए उस देश की भाषा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर धूम मची हुई है। लोग ट्वीट कर याद दिला रहे हैं कि शहीद भगत सिंह ने जेल से अंतिम चिट्ठी उर्दू में लिखी थी। लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्दू में ट्वीट कर लोगों को रमजान की शुरुआत होने पर बधाई दी थी। प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, जगन्नाथ मुल्ला आजाद और गुलजार ने जिस भाषा में अपनी साहित्य रचना की उसमें कुछ लिखने पर बवाल हो सकता है, हो रहा है। बवाल उस भाषा में कुछ लिखने से हो रहा है जिसे संविधान की छठी अनुसूची में जगह मिली हुई है। शायद उस टीवी चैनल के रिपोर्टर, संपादक और मालिक रुपया पैसा छूने से भी इनकार कर दें क्योंकि करेंसी नोट पर भी उर्दू में लिखा होता है।